हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास MCQ 31। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च यानी कि IISR इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि जो स्पाइसेस मीन्स क्या, तो मसाले, यानी मसालों के ऊपर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्टेट स्थित है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देखे, सिंपल सी एक बात आनी चाहिए कि भारत में जो स्पाइसेस हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं केरल में। ठीक, इनको इसको मसालों का राज्य भी बोला जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या है, सी, क्योंकि जो चीज़ जहाँ होती है उसकी रिसर्च भी वहीं होती है। ठीक है, जैसे कि शुगर इंस्टीट्यूट, यूपी में शुगर सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, यूपी में। तो अब इस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है कोझीकोड यानी कि केरला में। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि IISR किसकी ब्रांच है, यानी किसकी सब्सिडियरी है, किसके अंडर काम करती है, तो वो कौन सी संस्था है, वो है आईकार यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन में तीन चीजें हो गई, एक IISR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है कोई कोई यानी कि केरला में। दूसरा IISR का कहाँ पे स्टेट स्थित है, वो है केरला। और तीसरा, ये किस संस्था के अंतर्गत काम करती है, तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि आईकार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉज टेकन चार्ज एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कार्प्स यानी कि NCC के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको शामिल इसलिए किया है क्योंकि अभी रिसेंट में कई सारी ब्रांचों के DG चेंज हुए हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन इनको कवर कर दूंगा, जहाँ इतना तैयार किया जा रहा है वहीं पर थोड़ा सा अगर और कर लें तो क्या पता पूछा जा सके। इसीलिए तो वो है बी एस सहरावत। अब ये हैं कौन, ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे इंडियन आर्मी में, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और क्योंकि अब आर्मी की बात आई, तो दो चीज़ आपको और बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, इसका ये कहाँ पर स्थित है, तो ये खड़कवासला पुणे के पास। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA कहाँ स्थित है, देहरादून। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि NDA कहाँ पर स्थित है या फिर IMA कहाँ पर स्थित है, तो NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और ये खड़कवासला। और NCC के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, BS सहरावत। और जो BS सहरावत हैं वो इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं यानी कि एलुमनाई हैं यहाँ के। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्फ से रिलेटेड। तो विच इंडियन गोल्फर हैज वॉन रॉयल कप टूर्नामेंट 2017, कौन से भारतीय गोल्फर ने रॉयल कप टूर्नामेंट जीता है 2017 में, तो वो है शिव कपूर। और सबसे आश्चर्य की बात बताऊं तो इस साल अपने पूरे करियर में इन्होंने सिर्फ एक या दो ही टाइटल जीते थे, लेकिन 2017 में इन्होंने एक साथ तीन टाइटल जीत लिए हैं। मैं अब बताता हूं आपको कि इन्होंने अपने करियर में टोटल कितने एशियन टाइटल जीते हैं, कौन से एशियन टाइटल। तो पहला एशियन टाइटल इन्होंने जीता था 2015 में, उसका नाम था वॉल्वो मास्टर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद 2017 में इन्होंने हैट्रिक लगा दी, एक यंगर हेरिटेज, एक पैनासोनिक ओपन इंडिया और एक अभी लेटेस्ट में रॉयल कप। ये तीन टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस साल ये। तो शिव कपूर को फोटो एक बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और इन्होंने इस साल तीन टूर्नामेंट जीते हैं रॉयल कप को इंक्लूडिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, विच कंट्री टू होस्ट द मिनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO मेंबर्स। ठीक है, इतना देखा आपको कीवर्ड मिल गया WTO आपको कीवर्ड मिल गया WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन।
इसके मेंबर्स की एक छोटी सी मीटिंग होने वाली है। क्यों? ताकि व्यापार जो हो रहा है वर्ल्ड में उसको फिर से रिवाइटल किया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। तो वो मीटिंग कहाँ हो रही है? तो वो हो रही है इंडिया में। अब इस मीटिंग में किस तरह के इश्यूज की चर्चा की जाएगी? पहला तो रिड्यूस सब्सिडी ऑन फिशरीज, यानी कि मत्स्य पालन उद्योग जो है एक, क्योंकि वो समुद्र सबसे लगे हुए सारे देशों से, तो इसीलिए कभी कभी होता है कि यहाँ के मछुआरे यहाँ चले गए, वहाँ के यहाँ गए, तो उस पर फिशरीज पालन में सब्सिडी देने की बात, इस पर चर्चा होगी। दूसरा, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, कि हाँ कि इसमें भी जेंडर इक्वलिटी को कैसे बढ़ोतरी की जा सके, उस पर चर्चा होगी। प्रिपेयरिंग रूल्स फॉर ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार जो होता है उसके लिए रूल्स बनाने की भी बात होगी, और इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTO मेंबर्स की मीटिंग फरवरी में होने वाली है, कहाँ पे होगी? वो होगी इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम रिसर्च प्रोजेक्ट? जी हाँ, अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो ह्यूमन जीनोम रिसर्च प्रोजेक्ट ये कहाँ पर हो रहा है लॉन्च? ये हो रहा है चाइना में। अब इसमें होगा क्या? चाइना एक तरह से अपने पीपल को सेफ रखने के लिए ये प्रोजेक्ट ला रहा है, उसमें होगा क्या? टू डॉक्यूमेंट द जेनेटिक मेकअप ऑफ 1 लाख पीपल, कि अपनी पूरी पॉपुलेशन में से ये अलग अलग एथनिसिटी और रिलीजियंस और कास्ट के हिसाब से लोगों को सेलेक्ट करेगा और उनके जीनोम को अपने पास रखेगा उनका डॉक्यूमेंटेशन करके। इससे क्या होगा? जब आपके पास लोगों का जेनेटिक कोड आ गया तो उससे जब भी उनको कोई बीमारी होगी उससे रिलेटेड, तो वो उसको मेडिसिन बना सकेंगे, और बना के बल्कि रख सकेंगे ताकि इमरजेंसी में उसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो किस तरह से काम होगा? ये 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा सैंपल्स को, उसके बाद जीन के सैंपल्स की सिक्वेंसिंग की जाएगी, उसके बाद डाटा का गैदरिंग होगा कि कौन कौन सा डाटा है, फिर शेयरिंग और फाइंडिंग, कि फिर जो फाइंडिंग निकलेगी उसको आपस में रिसर्च इंस्टीट्यूट को साथ शेयर किया जाएगा, मेडिकल रिसर्च के साथ, ताकि उसकी दवाइयाँ बनाई जा सकें। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारे जीन होता है डीएनए, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। डीएनए, DNA डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसमें एक सिंगल स्टैंड होता है ऐसे ऐसे, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म, लिख लीजिएगा आप लोग इसको। डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन हाई प्योरिटी गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड? जी हाँ, अभी अभी इंडिया ने अपने खुद का गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया है, गोल्ड स्टैंडर्ड, तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो वो है BND 4201, ये इंडिया का खुद का स्टैंडर्ड है, 4201 BND। अब इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं तो BND मतलब भारतीय निर्देशक द्रव्य, 4201। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा। और जब ये स्टैंडर्ड बनाए तो ये स्टैंडर्ड कितने के लिए? तो जब भी किसी गोल्ड को ये स्टैंडर्ड दिया जाएगा, इसका मतलब वो 99.99% प्योर है। ठीक है, कितने परसेंट प्योर है? 99.99%। तो याद रखिएगा, भारतीय निर्देशक द्रव्य 4201, 99% प्योरिटी ऑफ गोल्ड को क्या करेगा? श्योर देगा कि हाँ ये इतने परसेंट ब्लड है, इतने परसेंट का गोल्ड है प्योरिटी का। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसिल इन इंडिया, यानी BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसके नए जनरल मैनेजर कौन बने हैं? वो हैं सबा करीम। सबा करीम जो कि अभी अभी नए GM बने हैं। सबा करीम थे कौन? ये हमारे भारत के फॉर्मर विकेट कीपर थे। आइए अब मैं आपको BCCI की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इसके प्रेसिडेंट कौन है आज की डेट में? CK खन्ना। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? राहुल जोरी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी। ठीक है, अभी नए जनरल मैनेजर बने हैं सबा करीम, और मेंस कोच रवि शास्त्री,
और वुमेन्स कोच तुषार अरोथे। तो ये पांच छह पोस्ट हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछी जा सकती है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, चीफ एग्जीक्यूटिव राहुल जोरी, सीके खन्ना प्रेसिडेंट हैं, मेंस कोच रवि शास्त्री, सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी, वुमेन्स कोच तुषार अरोथे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।